हेलो, तो ये बना है जैगरी से बिना शुगर के, जो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। और जैगरी का बेनिफिट्स तो हम सभी को पता है कितना अच्छा होता है, स्पेशली सर्दियों में अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उनके इम्यून सिस्टम के लिए, उन्हें इन्फेक्शन से दूर रखते हैं, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है पैन में दूध 1 कप, और उसमें मैं डालूंगी जैगरी का सिरप। ये देखिए लिक्विड ही है, कंसिस्टेंसी देखिए इस तरीके का, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। मैंने इसमें डाला है 8 टेबल स्पून, से 7 to 8 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और ये जैगरी का जो सिरप है मैंने रेडी करके फ्रिज में स्टोर किए हुई हूँ करी हूँ। पानी में जैगरी को बॉयल कर दे और उसे ठंडा हो जाए, तो उसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर ले, बट वो शीशे का होना चाहिए, बिल्कुल श्योर रखे। और ये देखिए 2 टेबल स्पून मैंने रवा सूजी, जिसे कहते हैं रोस्टेड सूजी है, ये मैंने घी में इसे रोस्ट करके रखा था, स्टोर करके रख रही हूँ। और साथ ही साथ इसे स्टेयर कर ले ताकि लम्स ना बन जाए, और जब मिक्स हो जाए तो इसे आप कवर कर दें। अब जब कवर हो जाए तो उसका बॉयल आने का इंतज़ार करें। जैसे ही बॉयल आए आप उसे कवर हटा दें और फिर कुक करें। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये कुक हो रहा है इसी में, और साथ ही साथ आप इसे अच्छे से मिक्स करते रहे ताकि नीचे से सटे ना। और साथ में आप इसका जो रेडी करोगे वो आप स्टोर भी कर सकते हो, और एज अ इसे आप डेजर्ट, एज अ स्नैक्स, किसी भी तौर पे आप बच्चों को दे सकते हो। ये देखिए ये हो गया है, रेडी होने वाला है। थोड़ा सा और कुक करेंगे, ये थोड़ा और भी अभी लिक्विडी टाइप फॉर्म में है, सो इसे और थोड़ा सा ड्राई कर दें। ये हो गया ड्राई, तो अब इसे प्लेटिंग करेंगे और इसे फिर कट करेंगे हम लोग अपने शेप में। बच्चों, आपके बच्चों को जो शेप पसंद हो उसी शेप में कट करें। गैस ऑफ, और ये होगा प्लेटिंग। और इसके बाद इसे इवनली स्प्रेड कर दें। हाथ में थोड़ा सा आप घी या तेल, पानी या कुछ भी लगा के ना, ऐसे हाथ से भी कर सकते हो या स्पून से भी, और फिर कटर से शेप दे दे अपने मनपसंद का, आपके बच्चों को जो पसंद है उसका दे। फिर इसे डाल दे फ्रिज में। आफ्टर 1 आवर फ्रिज से जब निकाले इसे तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। और इसे निकाल के आप इसे एक कंटेनर में डाल ले, एक बाउल में डाल के इसे दे, और देखिए बच्चे कितने शौक से खाएंगे, और आपको लगेगा कि वाकई, और बच्चों को जो है ना वो मीठे का क्रेविंग आता है, तो ज़रूर से बच्चों को ये सब कुछ स्वीट दे, होम मेड दे दे, चॉकलेट के, चॉकलेट वगैरह हेल्दी नहीं होता। तो चले देखते हैं जोया लेना को कैसा लगा। तो यहाँ पे मैंने तो दिखा दिया आपको, अपने बच्चों का फीडबैक दे दिया बच्चों ने। तो चले फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, लाइक करे, शेयर करे। ये रेसिपी बहुत हेल्दी है, हर मॉम इसको पसंद आएगी, हर बच्चे को पसंद आएगी। तो चले बाय बाय।